Hello my little blossoms, how are you all? Hope you all are good. Kids, this is the time for English class. And kids, you know, in today's class, we will learn and recognize a new letter. Do you know which letter is this? No? Okay, I will tell you, but before this, take out your book. Teach me alphabets. आपको क्या करना है? आपको अपनी अल्फाबेट्स बुक निकालनी है एंड ओपन इट. ओपन पेज नंबर 10. ओपन पेज नंबर 10. सो किड्स सी विच अल्फाबेट इज दिस. टेल मी विच अल्फाबेट इज दिस. यस दिस इज अल्फाबेट आई. दिस इज अल्फाबेट आई. So today we will learn and recognize letter I. So today we will learn and recognize letter I. आज हम क्या करेंगे? Letter I को learn करेंगे और recognize करेंगे. So see letter I. Standing line, slipping line, then again slipping line. This makes letter I. And the sound of letter I is I. The sound of letter I is I. And E also. Sound of letter I is E also. E भी होती है and I भी होती है. Okay. So, see. I is for ice cream. I is for ice cream. I is for igloo. I is for igloo. Igloo क्या होता है बेटा? Igloo बर्फ से बना हुआ, ice से बना हुआ एक house होता है. Igloo आइस का बना हुआ एक हाउस होता है जहाँ पे बहुत सारी आइस होती है, बर्फ होती है, वहां पे ये होते हैं. आइस फॉर इग्लू. आइस फॉर इग्लू. एंड किड्स आइस फॉर आइस. आइस फॉर आइस. देखो कूल 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 होती है ना आइस. आप सब अपने फ्रिज में रखते हैं ना, आपके फ्रिज में होती है ना आइस. सी किड्स दिस इज आई फॉर आइस. I for ice. And kids, ice for iron. Ice for iron. देखिए आप सबके हाउस में होती है ना ice for iron. मम्मा आपके ड्रेस पे आयरन करती है ना, आपकी ड्रेस पे आयरन करती है ना. This is ice for iron. Okay, this is ice for iron. And kids, ice for ink pot. Ice for इंक पॉट. इंक पॉट होता है जिसमें हम पेन में जो इंक यूज करते हैं वो. ओके इसमें क्या होती है? इंक होती है. आइस फॉर इंक पॉट. आइस फॉर इंक पॉट. आइस फॉर इंसेक्ट. आइस फॉर इंसेक्ट. आइस फॉर आइसक्रीम. आइस फॉर आइसक्रीम. सो किड्स दिस इज अवर लेटर आई. This is our letter I. So today we will learn and recognize letter I. Now we will learn and recognize the letter I and picture once again. See, eyes for eyes. Eyes for eyes. Eyes for ink pot. Eyes for ink pot. Eyes for igloo. Ice for igloo. Ice for ice cream. Ice for ice cream. Ice for insect. Ice for insect. And ice for iron. Ice for iron. Ice for iron. Okay. So kids, this is our letter I. Okay, so you all will learn and recognize letter I and its related pictures also. Now kids, we will do an activity related to letter I. So kids, for this activity, we need a A4 sheet, fevicol and cotton. आपको इस activity के लिए चाहिए एक A4 sheet, cotton and fevicol. Okay. And firstly, your mama will prepare your sheet like this. आपकी मम्मा आपकी शीट को ऐसे प्रिपेयर करेंगी, उस पर
आइस फॉर इग्लू बनाएंगे, आइस फॉर इग्लू। एंड मैम ने आपको बताया था ना इग्लू क्या होता है, आइस का बना हुआ एक हाउस होता है, आइस का बना हुआ हाउस होता है जहाँ पे बहुत सारी बर्फ होती है, आइस होती है, वहां पे ये बनता है। ओके सो किड्स टुडे वी विल डेकोरेट अवर इग्लू विथ कॉटन। आज क्या करेंगे हम अपने इग्लू हाउस को, आइस के हाउस को कॉटन से डेकोरेट करेंगे। ओके इस पे आइस तो हम पेस्ट नहीं कर सकते तो हम इस पे कॉटन पेस्ट करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक सम कॉटन एंड रोल। एंड आपको क्या करना है, आपको ऐसे कॉटन के छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं लाइक दिस। ओके बेटा ऐसे रोल कर करके आपको कॉटन के छोटे छोटे से बॉल्स बनाने हैं। ओके लाइक दिस। सी किड्स आपको क्या करना है, आपको ऐसे कॉटन के बॉल्स बनाने हैं। ओके नाउ यू हैव टू अप्लाई द फेविकॉल ऑन योर इग्लू। आपको अपने इग्लू पे आइस के हाउस पे क्या करना है, फेविकॉल अप्लाई करना है लाइक दिस। आपको ये जो बॉक्सेस है ना इनमें फेविकॉल अप्लाई करना है। ओके एंड यू हैव टू पेस्ट कॉटन इन इट, कॉटन बॉल्स लाइक दिस। आपको क्या करना है इन पे कॉटन बॉल्स को पेस्ट करना है, आपको अपने इग्लू हाउस को कॉटन से डेकोरेट करना है लाइक दिस। देखिए मैम क्या कर रही हैं, मैम ने अपने इग्लू पे कॉटन पेस्ट किया ना, आपको भी ऐसे ही अपने इग्लू हाउस पे कॉटन पेस्ट करनी है। ओके लाइक दिस। नाउ अगेन अप्लाई द फेविकॉल। सी एंड पेस्ट कॉटन ऑन इट, आपको क्या करना है इस पर कॉटन पेस्ट करनी है लाइक दिस। सी किड्स देखो आपका इग्लू हाउस अच्छा लग रहा है ना। सी देखो मैम की कुछ कॉटन बॉल्स कम हो गई हैं तो मैम लाइक दिस। सी किड्स आर यू एंजॉयिंग दिस एक्टिविटी, आर यू एंजॉयड? यस आई नो यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस एक्टिविटी। ओके सी किड्स अवर इग्लू हाउस इज रेडी, सी अवर इग्लू हाउस इज रेडी। सो किड्स डू दिस एक्टिविटी एट योर होम एंड एंजॉय इट। बाय बाय किड्स, टेक केयर।